हाय दोस्तों, मैं राजश्याम पांडे आज आप लोगों के सामने आया हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज का हमारा टॉपिक होगा एसएससी सीजीएल। आज हम एसएससी सीजीएल के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं और मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एसएससी सीजीएल, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी सीजीएल की तैयारी तो करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर क्यों रहे हैं, एसएससी सीजीएल से उनको क्या जॉब मिलने वाली है। तो इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आपको कुछ बातें तो पहले ये बता देना चाहता हूँ कि एसएससी का पूरा मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि कर्मचारी चयन आयोग। और इस परीक्षा को यूपीएससी कंडक्ट कराती है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। तो एसएससी सीजीएल में जो होता है वो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, यानी सीजीएल इसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा। इसमें अगर आप स्नातक हो करके अगर इस परीक्षा को देते हैं तो ये परीक्षा आपके लिए बहुत काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। और इस परीक्षा के बाद आपको कई नौकरियां मिल सकती हैं और उन नौकरियों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में। आपको हम इसकी सैलरी के बारे में बस थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि अगर आपके दिमाग में ये हो गई कि हम इसके लिए सैलरी कितनी पा सकते हैं तो इतना जान लीजिए इसमें सैलरी की कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी अच्छी खासी मिलती है और इंडिया के टॉप 10 मोस्ट जो अच्छी खासी रैंक की जो नौकरियाँ हैं उस रैंक में इसमें आती हैं और 40,000 से ज़्यादा इसकी इसमें अर्निंग होती है आपकी, उससे ज़्यादा भी होती है, 60,000 भी होती है, 60,000 से ज़्यादा भी होती है। तो ये आपके कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पे निर्भर करता है कि आप कितनी अच्छी खासी रैंक इसमें प्राप्त कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं, वो आपके अनुसार आपको इसमें सैलरी बढ़ती जाती रहती है। तो आइए हम मिलते हैं आपको फिर से ये बताते हुए कि एसएससी सीजीएल में हम आपको और क्या क्या चीज़ें और आपको एसएससी सीजीएल में क्या क्या नौकरी मिलती हैं, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पे। देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ एसएससी सीजीएल से रिलेटेड आपके जॉब्स के बारे में। देखिए इससे आपको डेस्क जॉब और फील्ड जॉब दोनों जॉब मिल सकती है। डेस्क जॉब से आप समझ सकते हैं कि जिसमें आप पढ़ने लिखने वाला काम कर सकते हैं, डेस्क जॉब यानी जो टेबल में बैठ करके आप आराम से कुर्सी लगा करके जो जॉब करना चाहते हैं वो जॉब भी इसमें मिलेंगी और आपको फील्ड में जाने वाली भी जॉब मिलेगी। देखिए इसके लिए आपको असिस्टेंट आईबी, विजिलेंस, एमईए और सीएसएस ऐसी जॉब मिलेंगी, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो ये सतर्कता वाले जो अधिकारी होते हैं, एमईए, सीएसएस, ऑडिटर, अकाउंटेंट सरकारी यानी कैग जो होते हैं, सीजीए जो होते हैं, सीजीडीए जो होते हैं, इतनी ये टॉप मोस्ट रैंक जो अच्छी खासी रैंक की जो नौकरियां होती हैं यही नौकरियां हैं। ठीक है, ये आपको डेस्क जॉब में मिलेंगी, यानी कि अगर आप बैठे बैठे कोई नौकरी करना चाहते हैं तो आपको इनमें से कोई नौकरी मिल सकती है। ठीक है, तो आप वो आपकी ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि आप कौन सा जॉब करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर अच्छी खासी रैंक लाएंगे तो अच्छी खासी नौकरी मिलेगी, कम रैंक लाएंगे तो कम नौकरी मिलेगी, इसलिए तो रैंक के ऊपर डिपेंड करता है। अब आते हैं फील्ड के जॉब में। जो फील्ड जॉब होती है इसमें आपको इसको भी दो भागों में बांट देंगे, टैक्स में और नॉन टैक्स में, यानी टैक्स ऑफिसर्स आप बनना चाहते हैं तो आप इनमें इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ठीक है, प्रिवेंटिव ऑफिसर भी बन सकते हैं, ये कस्टम ऑफिसर इन्हीं को कहते हैं, ठीक है, एग्जामिनर, परीक्षक बन सकते हैं, परीक्षक का मतलब एग्जाम लेने वाला, यानी कि जब आप इसका एग्जाम देते हैं तो कोई तो होगा ना, कोई तो अधिकारी होगा ना जो आपके एग्जाम की कॉपियां चेक करता होगा, आपको चूज करता होगा कि आपको कौन सी नौकरी दी जानी चाहिए, आप इस लायक हैं या नहीं, वो एग्जामिनर ही काम करता है। तो ये नौकरी भी आपको मिल सकती है, इन्फोर्समेंट की नौकरी मिल सकती है, नॉन टैक्स में एसआईएम सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, इसमें आप सब इंस्पेक्टर के रूप में भी जा सकते हैं, आई एस आई का मतलब इंस्पेक्टर, एसआई सब इंस्पेक्टर, इसमें आप नैरोकोटिक्स की नौकरी भी ज्वाइन कर सकते हैं, एनआईए की नौकरी भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें भी आपको एसआई की पद मिल सकती है, पोस्टल डेप्थ यानी पोस्टल का मतलब वो डाक
डाक का जो विभाग होता है, डाक विभाग में भी आप इस जॉब से नौकरी पा सकते हैं, जो कि ये फील्ड जॉब में आती है। तो एसएससी सीजीएल से इतनी टाइप की नौकरियां मिल सकती हैं, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस टाइप की नौकरी खास तौर से पसंद करते हैं। आइए इनके बारे में एक थोड़ी सी विस्तार से हम चर्चा कर लेते हैं। आते हैं अब हम अपने अगले टॉपिक पे। देखिए इस डेस्क जॉब के बारे में, मैं असिस्टेंट जो ऑफिसर्स होते हैं उनके बारे में कुछ जानकारियाँ बताना चाहूँगा। जैसे कि इसमें आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, विजिलेंस सतर्कता अधिकारी, एमईए विदेश मंत्रालय के अधिकारी, सीएसएस सेंट्रल सेक्रेटरिएट सर्विस यानी केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी जो होते हैं, जो ऑडिटर होते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं, उनमें आते हैं कैग, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीजी। इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं होता, लेकिन बस इतना जान लीजिए कि सीजी जो होते हैं वो सीएजी से बड़े होते हैं। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट्स सीजी डीए, रक्षा लेखा महानियंत्रक अधिकारी। अब हम आते हैं फील्ड जॉब के बारे में, तो हम आपको बताने वाले हैं अब फील्ड जॉब क्या होती है, फील्ड जॉब के अधिकारी की जॉब पे। देखिए फील्ड जॉब में भी दो टाइप की जॉब होती है, टैक्स जॉब और नॉन टैक्स जॉब। तो जो टैक्स जॉब होते हैं उनमें हमारे होते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर्स, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर होते हैं यानी उत्पाद अधिकारी जो चुंगी करवट जो लगाते हैं वो अधिकारी, प्रिवेंटिव ऑफिसर यानी निवारक अधिकारी वो भी सेंट्रल एक्साइज के जैसे ही काम करते हैं, एग्जामिनर के बारे में भी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी, यानी जो परीक्षा के अधिकारी होते हैं हमारी परीक्षा लेते हैं, इन्फोर्समेंट यानी प्रवर्तन अधिकारी। अब आते हैं एसआई इन सीबीआई, ये जो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन वाले जो ऑफिसर होते हैं उनमें सब इंस्पेक्टर की पोस्टिंग मिलती है, इंस्पेक्टर की पोस्टिंग मिलती है। नैरोकोटिक्स वाले जो अधिकारी होते हैं उनमें एनआईए, यानी एनआईए का मतलब होता है हमारा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी जो हमारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वाले जो अधिकारी हमारे होते हैं उसमें आप एसआई की पोस्टिंग पा सकते हैं। और उसके बाद पोस्टल डेक यानी डाक विभाग में भी जो हमारे अधिकारी होते हैं उस विभाग में भी आप नॉन टैक्स यानी कि फील्ड वाले जॉब में आप ऐसे जॉब पा सकते हैं। तो आइए इस तरीके से हम अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं एक दूसरी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, बाय। Yeah!